जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कितने टाइप के रूटनेस होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं थे, वो सिर्फ पहला पार्ट था। ये इस दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा पार्टी के रूटनेस, जो कि 13 और है। तो बस थोड़े से बस थोड़े से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना प्यारी बहनों और मेरी भाइयों, अच्छा लगता है। और लाइक करते करके जाते हो वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा लगता है भाइयों, लेकिन लेकिन सब्सक्राइब नहीं मार के जाते और करवा के भी नहीं जाते, वो भी करके जाना और करवा के भी। तो इस वीडियो में सबसे पहला आता है बी लेट, जो कि हम सब होते हैं कभी, कोई ऑफिस में होता है, कोई रेस्टोरेंट में होता है, कोई अपनी पहली डेट पे होता है, कोई अपने स्कूल में होता है, कोई अपनी पहली मीटिंग में होता है, कोई अपनी मतलब डिवर्स सिचुएशन में हम सब होते हैं। लेकिन ये गलत बात है यार, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो डेट है, तुम्हारा जो स्कूल है, तुम्हारा जो ऑफिस है, वो शुरू होने वाला है, जो डेट शुरू होने वाली है वो 1 घंटा पहले है या 15 मिनट के बाद तुम्हारी डेट है, तो तुम तैयारी क्यों नहीं करते? और तैयारी करो, तैयारी करो। ये नहीं पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, ना। उस डेट में क्या पहनना है वो तैयारी करो, और उस मीटिंग में क्या पहनना है वो तैयारी करो। लेकिन यार इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि बीइंग लेट, वी आर फेमस फॉर बीइंग लेट, क्या कह सकते हैं। इम्प्रॉपर सेल फोन यूजेस पे, जो कि है रूडनेस पार्ट 12। तो यार इसमें इसका मतलब ये कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, या आप डेट पे हो, या कोई भी इम्पोर्टेंट काम पे हो, उस काम के बीच में आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, विच इज़ रॉन्ग। या फ़ोन का टाइम अलग रखो और काम का टाइम अलग। फ़ोन को काम के में जोड़ोगे ना, कद्दू मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारा बॉस भी कहेगा कि व्हाट व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, फलाना ढिमकाना, जैसे हर बॉस कहते हैं। तो फ़ोन का टाइम अलग रखो, मस्ती का टाइम अलग रखो, फ़ोन के टाइम पे फ़ोन यूज़ करो। हाँ, फ़ोन के टाइम पे भी मस्ती कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। डेट के टाइम पे फ़ोन मत यूज़ करो, क्योंकि ये आपकी पहली डेट है, होगी या जाने वाले होंगे। देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है, तो भाई भाई को नहीं बोलेगा और तो किसी को बोलेगा। तो ये था इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ सेलफोन, तो ये ध्यान रखो। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि यार वो मैं तो डेट पे आई थी लेकिन तू ही नहीं आई, तू ही नहीं आया। फिर आते हैं टेकिंग एंड मिस यूजिंग हैंडीकैप्ड पार्किंग स्पॉट। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप एक मॉल पे गए और मॉल पे आपको कहीं पे पार्किंग नहीं मिली, और आपने जल्दबाजी में उस स्पॉट में लगा दिया जहाँ पे विद्यांग जन और अथवा हैंडीकैप अथवा फिजिकली चैलेंज लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ पे आपने अपनी गाड़ी लगा दी और उसका मिस यूज़ किया, दुरुपयोग किया। और तो ये है इस सेंटेंस का मतलब कि टेकिंग, आपने ली भी वो पार्किंग स्पॉट और मिस यूज भी किया उस हैंडीकैप लोगों की पार्किंग स्पॉट को। तो यार इसलिए मत किया करो, अच्छा लगेगा कि आप फाइन भरोगे एक हैवी हैंडसम अमाउंट का। मत किया करो ब्रो, तो ब्रो मत किया करो। फिर आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग, नॉट टीचिंग और इन्फोर्सिंग मैनर्स इन चिल्ड्रन। मान लो आपके बेटे ने या आपके बच्चों ने
गलती गलती मान लो और रूड हो गया, किसी ना किसी पे रूड हो गया, तो आपने ना तो उस बंदे को सॉरी बोला, ना तो उस बंदे से को सॉरी कहलवाया अपने बच्चे के दौरान, मतलब अपने बच्चे से। तो ये है इसका मतलब, ना तो आप सिखा रहे हो और बयावा कर रहे हो, दे रहे हो उसी चीज़ को कि वो कि आपका बच्चा वो बार बार करे, ऐसे तो ही ना चलेगा यार। हाँ मालूम है उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता, एन मौके पे दिमाग नहीं चलता, लेकिन लेकिन सिखाओ, अच्छे से सिखाओ, घर जाके सिखाओ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके सिखाओ कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, से सॉरी या से आई एम अपोलोजाइज, लेकिन नहीं आपने सिखाया ही नहीं। ये इस नंबर 10 का मतलब गूगल में नंबर 10 का वो है, मतलब है कि नॉट टीचिंग और एनफोर्सिंग मैनर इन चिल्ड्रन। जी फिर आते हैं सबसे कॉमन, टेकिंग क्रेडिट फॉर द वर्क ऑफ अदर्स, जो कि MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में, स्कूल्स में तो नहीं, लेकिन कॉलेजेस में बहुत होता है, बहुत होता है, और आपने भी फेस किया होगा, ये जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ आपने भी फेस किया होगा। इसका मतलब ये है कि बता देता हूँ कि आपने काम किया और आपके टीम मेंबर ने बॉस की चाटने के लिए, लिटरली बुरा मत मानो, बॉस की चाटने के लिए प्रमोशन पाने के लिए ये काम आपके साथ चीटिंग करी और आपने उसको दिखाया, आपका आइडिया उसने चुराया, चुराने के बाद आपका जो प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था वो उसने ले लिया। तो इसे कहते हैं टेकिंग क्रेडिट फॉर द वर्क ऑफ अदर्स, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, आई एग्री कम्प्लीटली रॉन्ग, मत करो ये, तो हरगिज़ नहीं करो प्लीज़। आता है पब्लिक प्लेसेस में अपने बाल सेट करना, अपना हुलिया सेट करना, अपनी दाढ़ी सेट करना, इंग्लिश में बोले तो पर्सनल ग्रूमिंग इन पब्लिक, विच इज़ अगेन रॉन्ग, लेकिन इंडिया में यार कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि सब धूप में झुलझ के आते हैं, खास करके गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को पता नहीं कितने टाइम लगते हैं। मैं दोनों के साथ हूँ, मेरी प्यारी बहनों के साथ भी हूँ, मेरे प्यारे भाइयों के साथ हूँ, दोनों के साथ हूँ। आई स्टैंड इन इक्वालिटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय, सो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। फिर आते हैं ट्रीटिंग स्टोर्स एम्प्लॉयज़ और वेट स्टाफ रूडली, मतलब मान लो कि यार आज आप अगर नॉट लॉकडाउन में पहले अगर आप बिगजरा गए, रिलायंस गए या कहीं भी सुपर मार्केट गए, तो वहाँ के स्टाफ को आप टू तरह करके बात करोगे तो वैसे तो वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी वो जॉब है, और जॉब में तू क्या, तेरा क्या, आप क्या, मेरा क्या, ऐसा होता है जॉब में, तो विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और इंग्लिश में इसका मतलब है ट्रीटिंग स्टोर्स एम्प्लॉयज़ और वेटर स्टाफ रूडली, जो हमें इंडियंस की आ जाता है, लेकिन वेट स्टाफ को क्यों, उनको आप भैया भी तो कह सकते हो, या हाथ है या हाथ ऊपर कर दो वो खुद ही आ देंगे, या तो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, या तो ये जैसे आप स्कूल में कहते थे कि हाथ ऊपर कर दो और मैम आपके वो देती थी, ओपिनियन लेती थी, आप वैसा भी कह सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते, बात ये है, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट मिलेगी और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, गिव एंड टेक वाला ऑप्शन है।
रखना है यहाँ पे। फिर आते हैं सबसे कॉमन, कैशियर्स हु टॉक ऑन देयर फोन सेलफोन फेस किए एंड डोंट एक्नॉलेज कस्टमर ड्यूरिंग चेकआउट, ये कौन करता है यार। हाँ सेलफोन में बात करना गलत बात है काम के वक्त, लेकिन चेकआउट कस्टमर को, नॉट बैड, सॉरी नॉट गुड, नॉट गुड यार। कस्टमर भगवान का रूप है, कस्टमर को तो छोड़ दो। कैशियर लोग भाई लोग चेकआउट कर रहे हो काम के वक्त, सिर्फ काम, नो अदर थिंग। जैसे ही आपका काम खत्म हो मस्ती करो, चेकआउट क्यों कर रहे हो ये। फिर आता है ग्रोसरी स्टोर में, बिग बाज़ार में या रिलायंस में, जहाँ पे भी बड़ी कंपनी के आउटलेट्स आप जाते हो, सुपरमार्केट के आप जाते हो, वहाँ पे आपकी ट्रॉली के लिए जगह ना मिलना और अपनी ट्रॉली को बीच में घुरा के दूसरी साइड चले जाना वो। और इंग्लिश में इसका मतलब है ब्लॉकिंग द एल्स आइज, नहीं ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग द वे इन वॉलमार्ट एंड ग्रॉसरी स्टोर विच इज़ कॉमन इन एवरीवेयर, बिग बाजार, रिलायंस और सुपर मार्केट, हर जगह ही होता है। हालांकि मोड़ में भी होता है, लेकिन करे तो करे कैसे और क्या करे ये। पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक बाथरूम, पब्लिक रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम को, सॉरी नॉट रेस्टोरेंट को, गंदा ही छोड़ देना। और इंग्लिश में बोले तो लिविंग मेसेस मेसीज इन पब्लिक बाथरूम एंड नॉट वॉशिंग योर हैंड। यार पब्लिक बाथरूम को तो ठीक है, गंदा रहने देते हो वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप तो हाथ भी नहीं साफ करते, क्यों। नहीं हाथ साफ करने के लिए 15 सेकेंड लगते हैं, चलो 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है 20 से 15 सेकेंड लगते हैं, उसमें तो अपना हाथ साफ कर लिया करो। कौन सी आपकी मूवी छूट जाएगी, कौन सी आपकी वो क्या कहते हैं वो ट्रेन छूट जाएगी, कौन सी आपकी वो चार्टर्ड प्लेन छूट जाएगी, उसमें तो आराम से उसमें धोया करो, किसी को कोई जल्दी नहीं। आपका काम वहीं पे रुका रहेगा, आपकी जितनी भी जो बिलोंगिंग्स है वो वहीं पे ही रहेगी, लेकिन हाथ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हाथ धोया करो वॉशरूम करने के बाद और कोई भी काम करने के बाद, बाथरूम भी हाँ ज़रूर धोया करो, क्योंकि हाइजीन इज़ एवरीथिंग इन लॉकडाउन, इन कोरोना एंड इन एवरीवेयर इन कंट्री। धीरे धीरे चलना पासिंग लेन पे, इंग्लिश में बोले तो ड्राइविंग स्लो इन अ पासिंग लेन। और मान लो कि आप डोमिनोज की डिलीवरी लेने जा रहे हो या मैकडोनल्ड के ड्राइव थ्रू में हो, तो आपके आगे एक और गाड़ी है, वो अपनी मैक्सिमम स्लो स्पीड में, वो MSS में, ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली आपका नंबर है, लेकिन आप कचोरी से धीमे 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 धीमे, अब आपके पीछे वाले को ये लगेगा ना कि आप नौ सीखे हो। उनके लगने से पहले आप एक्शन करो, इसलिए ध्यान रखो कि आपको ये नहीं करना, उसके चलने के बाद आपको चलना, ना कि पीछे वाला कहे पी 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 बजाए ना, कंप्लीट नहीं रहो, ठीक है। सबसे 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 ज़्यादा रूल टे टॉकिंग एंड यूजिंग सेलफोन इन मूवी थिएटर,
नहीं मुझे तो मान लो आप मूवी की शुरुआत हो चुकी है, वो बंदा आपका आगे वाला बंदा जो जो से हैला ऐसे बात कर रहा है, वो भी अपने एक्शन का आपने उसको 3 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 1 बार बोल दिया, आपका दिमाग खराब होगा, आपकी मूवी तो बर्बाद हुई। किसकी वजह से? उसकी वजह से। पैसे तो वेस्ट हुए, किसकी वजह से? उसकी वजह से। टाइम तो वेस्ट हुआ, उसकी वजह से। मूड किसकी वजह से? उसकी वजह से। तो यार इसकी मूवी तो मत खराब करो, बाहर जाके बात कर दो, स्विच ऑफ कर दो, या वो क्या कहते हैं साइलेंट मोड में रख दो, या वाइब्रेट मोड में रख दो, सबसे इजी व्हाट्सएप में डाल दो स्टेटस, तो जब इंटरवल होगा तब बात करो, ये कर सकते हो। हाँ थिंक अबाउट इट, जो मैंने आप बोला ध्यान से, ये तो सबने किया होगा 110%। करके बताता हूँ, नॉट पिकिंग अप आफ्टर योर डॉग एंड लेटिंग डैम यूज द बाथरूम ऑन पब्लिक ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, किया है ना? क्यों? प्राइवेट प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में इतना टाइम लगता है, इतना मेंटेनेंस होता है, और आप अपने डॉगी को अपने टॉमी को वही ख़राब करने के लिए ले जाते हो। हाँ ले जाते हो, ले जाते हो और उठाते नहीं। हाँ आप उसकी यूरिन नहीं उठा सकते, लेकिन पानी की बॉटल लो और हल्का सा पानी डाल दो, पानी डाल दो, यूरिन बह गया, जो उसका जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, ठीक है, जो पीछे से ले करते हैं उसको आप पेपर में लो, जहाँ पे भी डस्टबिन में फेंक दो, ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, ठीक है करो, चिंता काहे को लेगी, ना ना कोई मगज मगजमारी, ना कोई किटकैट, ना कोई कुछ, ये करो, और अगर फिर भी ना माने तो उसको वो एरिया में मती बुलाओ, मतलब मती ले जाओ, ये तो कह सकते हो ना। बस तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ 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 कहीं तो आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, वो दबा के जाना, और बेल आइकन भी दबा के जाना, और करवा के जाना अपने दोस्तों को, घर वालों को, मॉम डैड को, चाचा को, ताए को, फूफी को, फूफा को सब्सक्राइब, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वो लोग क्या देखेंगे, आप लोग क्या देखोगे, तो सब्सक्राइब, ठीक है।